नमस्कार दोस्तों, जब से 26 दलों के मोर्चे का नाम इंडिया रखा गया है और जब से इंडिया नाम के मोर्चे के गठन के बाद बीजेपी में मोदी सरकार में बेचैनी दिख रही है और जब से बीजेपी नेताओं के हमले की जद में लगातार इंडिया है, तब से यह सवाल उठ रहा है कि कहीं 26 दलों का यह मोर्चा मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं बनने जा रहा है। और आज ये सवाल फिर से एक बार अहम है क्योंकि आज इस मोर्चे के एक अहम घटक, एक बड़े नेता शरद पवार के घर पर दिल्ली में 6 जनपद पर इस मोर्चे की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। वो कमेटी जिस कमेटी का ऐलान मुंबई की बैठक में किया गया, जिस कमेटी में 14 नेता हैं अलग अलग दलों के, जिन नेताओं की जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी तय की गई कि राज्यों में जो चुनाव होंगे लोकसभा के उसके मुताबिक सीट शेयरिंग हो, साझा रणनीति बने और 1-to-1 के मुकाबले की जमीन तैयार की जाए, यानी बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राज्य में जिसकी जैसी स्थिति हैसियत हो उसके मुताबिक। तो ये पहली बैठक है कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो दिल्ली में आज हो रही है शरद पवार के घर पर। स्क्रीन पर बीच में आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में वो चेहरे हैं जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। 14 सदस्यों में से जो मेरे पास जानकारी है अभी कि 12 सदस्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भांजे हैं वो नहीं आ पाए क्योंकि ईडी ने आज की तारीख में ही उन्हें सम्मन दिया। ललन सिंह जो जेडीयू के नेता हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं लेकिन बीमारी की वजह से वो नहीं आए, लेकिन उनकी तरफ से संजय झा इसमें शामिल हुए हैं। सीपीएम का कोई नुमाइंदा अभी तय नहीं हुआ था, पोलिट ब्यूरो की मीटिंग नहीं हुई इसलिए सीपीएम की तरफ से नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 नेता इसमें, 12 या 13 नेता इसमें शामिल हैं। स्क्रीन पर सबके नाम देख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, शरद पवार, हेमंत सोरेन, टीआर बालू, तेजस्वी यादव, डी राजा, अभिषेक बनर्जी मैंने कहा नहीं आए हैं और बाकी राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के। ये बैठक अहम है क्योंकि जो खबर आ रही है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सहमति बनाने की कवायद है। केसी त्यागी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, जेडीयू के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, राज्यसभा सांसद थे अभी कुछ दिन पहले तक, और ऐसे भी भारतीय राजनीति में आज की तारीख में जो चंद नेता हैं जो 5-6 दशकों की राजनीति को बारीकी से जानते हैं, कम से कम 5 दशकों की राजनीति के चश्मदीद रहे हैं। और मैं कहूंगा राजनीतिक इतिहास को पढ़ने के मामले में, गहराई से अध्ययन के मामले में ऐसे अध्येता नेता बहुत कम है, इसलिए केसी त्यागी जी से बात करना अपने आप में हर समय एक सुखद अनुभव होता है। और कई बार पार्टी में रहकर भी बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो एक पढ़ा लिखा नेता अपने ढंग से राजनीतिक व्याख्या करता है। तो केसी त्यागी जी को खास तौर से मैंने शामिल किया समझने के लिए कि लोकसभा चुनाव जो आज से 8 महीने बाद होना है उसकी तस्वीर क्या बनती दिख रही है आज की तारीख में, जब एक मोर्चा बना है मोदी के सामने। जो खबर हमें मिली है उस बैठक जो चल रही है अभी, बैठक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो खबर मिली है उसमें सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की कवायद हो रही है। कहा जा रहा है 400 सीटों पर 1-to-1 की स्थिति बन सकती है। ज्वाइंट कैंपेन की रणनीति क्या हो इस पर बात हो रही है। सोशल मीडिया की ज्वाइंट प्लानिंग क्या हो इस पर बात हो रही है। राज्यों में अगर फ्रेंडली फाइट हो तो भी एक दूसरे पर हमला ना करें, क्या ऐसी रणनीति बने इस पर भी बात हो रही है। और इन सब के बाद कुछ अहम राज्य हैं जिस पर सहमति बनानी है, जो राज्य हैं यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये वो अहम राज्य हैं जहां सहमति जरूरी है क्योंकि यहां अलग अलग पार्टियां हैं, उनके कंटेस्ट होने हैं। मैं उन राज्यों का जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात या छत्तीसगढ़, वो राज्य जहां बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधी फाइट। कुछ राज्य और अहम हैं, बंगाल, दिल्ली और पंजाब कहा जा रहा है, उन राज्यों के बारे में फैसला, और केरला भी केंद्रीय नेतृत्व करेगा इसलिए आज की बैठक में शायद उन राज्यों पर बात न हो। बारह, ये एक भूमिका स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 राज्य 210 सीटें, वही राज्य जिनका मैंने जिक्र किया, 210 में से 138 सीटें बीजेपी जीती थी 2019 में, लेकिन तब एनडीए था और एनडीए में जेडीयू भी था जिसके नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गुट था, सेना, इसलिए बिहार में 39 सीटें बीजेपी गठबंधन जीती थी पिछली बार, और महाराष्ट्र में भी जबरदस्त कामयाबी, इस बार बीजेपी से वो दल अलग है। क्या तस्वीर बनेगी, और ये राज्य जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत अहम है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया मोर्चे को तय करना है कि कैसे इन राज्यों में बीजेपी की सीटों को कम करना है, और बाकी जो राज्य मैंने कहा जहां फ्रेंडली फाइट कांग्रेस से है वो फिर अगली बैठक में होगी, उस पर फिर बात करेंगे।
तो कैसी तैयारी है? शुरू सीधे बिना भूमिका मैंने लंबी दे दी ताकि दर्शकों को समझ में आए, क्योंकि आज बैठक हो रही है आप लोगों के उस मोर्चे के। और कैसी त्यागी जी उस मोर्चे की तरफ से जो कमेटी एक बनी है, रिसर्च की कमेटी, जो अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी के झूठ को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलने वाली फर्जी जानकारी को काउंटर करेगी, तथ्यात्मक तौर पर जनता के सामने पेश करेगी, नजरिया, पार्टी के विचार, इंडिया की रणनीति, उसके उसका हिस्सा कैसी त्यागी जी। तो कैसी त्यागी जी, अभी आज है 13 सितंबर, मानते हैं अप्रैल में चुनाव होगा, अप्रैल मई में, यहां से आप क्या तस्वीर देखते हैं? 8 महीने अभी बाकी है, लेकिन आज का दिन अहम है क्योंकि सीट शेयरिंग पर बात हो रही है। असल में मैं थोड़ा आपको बाद में ले जाना चाहता हूं कि हमने कहां से शुरू किया था जी। पिछले साल 25 सितंबर को हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी की हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं हर साल, वो फंक्शन था और जिसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों साथ साथ आए थे, मैं भी देवीलाल जी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी उस सभा का अंग था, शरद पवार जी थे उसमें, शिवसेना के सदन में नेता थे उसमें, सीताराम येचुरी थे उसमें, प्रकाश सिंह बादल थे उसमें, जम्मू कश्मीर से शेख अब्दुल्ला थे उसमें, फारूक अब्दुल्ला एंड सॉरी, और ओम प्रकाश चौटाला जी थे। अब एक साल पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं अजीत जी, जब तीसरे मोर्चे के गठन की चर्चा अपने जोरों पे थी, ममता बनर्जी, टीआरएस के नेता चंद्रशेखर और अरविंद केजरीवाल, और कभी कभी उत्तर प्रदेश के हमारे नेता जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, ये चारों लोग एक गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी विकल्प की तलाश में थे, इनकी कई मीटिंगें भी हुई थी। 25 सितंबर का दिन है जब भारतीय राजनीति में, अब हम फिर भी जा रहे हैं कैथल में, अभी 10 दिन बाद फिर देवीलाल जी का है, उसमें सभी लोगों को फिर बुलाया है, पहली बार नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन सकता। मैं सभी से नम्र निवेदन, हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि वो अपना गैर कांग्रेस पद छोड़ें और कांग्रेस को लेकर के राष्ट्रव्यापी एक मोर्चा बनाएं, और खास तौर से वो बादल साहब को और ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी को संबोधित करते हैं, क्योंकि ये गैर कांग्रेसवाद के धुरी के साथ अभी तक भी जुड़े हुए। उसके बाद वो और लालू यादव जी मिलते हैं ये सोनिया जी से भी, और उसके बाद राहुल गांधी से भी, और उनको कहते हैं कि आप इसको लीड लीजिए, आप बड़ी पार्टी है। लेकिन 6-7 महीने यूं ही हमारे गुजर जाते हैं और कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी तरफ से नहीं होता है। कभी कहते हैं हम यात्रा में हैं, रहे थे, कभी कहते हैं हमारे चुनाव नहीं हुए, हुए थे। तो 6-7-8 महीने इसमें गुजर जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों से पटना में दिन आया, और हमें बहुत गर्व के साथ और बहुत फख्र के साथ ये कहना पड़ता है, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बराबर में केजरीवाल जी बैठे थे, ममता दीदी बैठी थी, और केसीआर यद्यपि नहीं थे लेकिन अखिलेश यादव बैठे थे, जो हमारे प्रयासों की और भारतीय राजनीति की अनूठी घटना थी। इसके बाद हम लोग बंगलुरु गए और वहाँ से अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के जीतने की और भारतीय जनता पार्टी के हारने की भी आई थी, एक हौसला भी बढ़ा हुआ था। हिमाचल के बाद तो हम लोग मिले थे पटना में, और चुनाव के बाद फिर हम मिले थे वहाँ पर, और इसमें और आगे बढ़ करके हम लोग मुंबई पहुँचे, कुछ छोटे मोटे दल भी जुड़े। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं चूंकि एनडीए का संस्थापक सदस्यों में से रहा हूं, तो 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी की तो मित्र पार्टियों को शायद याद भी नहीं होगा कि आखिरी मीटिंग एनडीए की कब हुई है। जब 36 दलों का मिलान तय हो गया पटना में, तो फिर 36 दलों का मिलान किया गया, जिसमें से 33 का लोकसभा में कोई एमपी नहीं है इसके मुकाबले के लिए, और एनडीए जो बनाया गया उसका 13 साल से कोई कन्वीनर नहीं है। आखिरी कन्वीनर ही हमारे मित्र और साथी शरद यादव जी थे, उसके बाद कोई कन्वीनर आज तक नहीं बना। वो हमसे पूछ रहे हमारा नेता कौन, हम उनसे पूछ रहे आपका कन्वीनर कौन,
जो संचालित करेगा मीटिंगों को। खैर, उसके बाद हम लोग मुंबई पहुंचे और इसी बीच में जो काम कभी दूसरे शासक दल करते थे वही परंपरा अब शुरू हो गई। जो पीपल्स मैंडेट हैं उनके साथ कैसे रोबरी होती है उसका उदाहरण कर्नाटक रहा है, मध्य प्रदेश रहा है, महाराष्ट्र रहा है, गोवा रहा है और कई राज्य रहे हैं। और जो मूल धारा की पार्टियां थी, जो राज्यों की सब नेशनलिज्म के प्रतीक की पार्टियां थी, उनको तोड़ने का प्रयास हुआ। शिवसेना में हुआ, शरद पवार जी की पार्टी के साथ हुआ, हम लोगों पर भी डोरे डाले गए, कई और जगह भी हुए। तो ऐसे माहौल में हम लोग मिल रहे हैं। और ये अजीत जी, ये 2014 नहीं है। एक तो मैं बहुत बगैर विरोध के, बगैर आलोचना के कहना चाहता हूं कि 10 साल के मनमोहन सिंह के कार्यकाल के आखिरी दिनों में जिस तरह के इल्जाम लगे, अन्ना का जिस तरह का भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चला, और जैसे वो ईमानदार प्रधानमंत्री होते कम्युनिकेटिव नहीं थे, उसको लेके कोई कोई छाप नहीं छोड़ पाए थे। और इधर जो हम लोगों के सिर्फ फुटबॉल थे उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी ले रही थी, और इनको एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में एमर्ज किया गया, जो पोस्ट गोधरा एक दौर था। और ये भारतीय राजनीति का वो दुर्भाग्यपूर्ण दौर है जब 1200 माइनॉरिटी के लोगों की किलिंग को भी ग्लोरीफाई किया गया, दैट हियर इज ए मैन हु कैन, ये पहला कभी नहीं हुआ था। हम लोग 47 से भी बुरे अविश्वास के दौर में आज जी रहे हैं। खैर, उनको मैंडेट मिला, पहली बार वो सफल हुए, और जो वायदे उन्होंने किसानों से किए बरेली की मीटिंग में कि आमदनी दुगनी होगी किसानों की, इतने उनके खाते में जाएंगे, उसके बजाय जो सवाल 47 में दफनाए गए थे उन सवालों को नई तरीके से उठाना शुरू किया। वो हम पे लगाते हैं तुष्टिकरण का, हमारा उल्टा आरोप ये है कि पोलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो आप ही ने शुरू कर दिया। खैर, 2014 गुजर गया, 2019 आया, और धीरे 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 ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम पे मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। बालकोट भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक था, जिसके चलते उसका क्रेडिट बजाय सेना के पॉलिटिकल पार्टीज ने लेना शुरू किया, और एक पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हुई। अब 2024 में आ जाए, एक तो मैं आपसे बहुत तर्क के साथ ये कहना चाहता हूं, दिल्ली में 7 सीट है, 7 के 7 बीजेपी, हरियाणा में 10, 10 की 10 बीजेपी, राजस्थान 28, 28 के 28 बीजेपी, मध्य प्रदेश जितनी भी है 23 या 24 एक छोड़ के सारी बीजेपी, छत्तीसगढ़ एक छोड़ के सारी बीजेपी, महाराष्ट्र राजस्थान में 24 है, 24 को बीजेपी की 25 है, 24 बीजेपी, महाराष्ट्र 48 में से 42 बीजेपी, कर्नाटक हाँ, मतलब अगर सेना को मिला के करें तो, सेना को मिला के करें तो ऐसे बीजेपी 70 के करीब सीटें ऐसी हैं जो सैचुरेटिंग स्टेज में आ गई हैं। अब दिल्ली में आप 10 सीट तो कर नहीं सकते, हरियाणा में 15 नहीं कर सकते, और जो वर्तमान माहौल है जो बदला हुआ है, उन 275 में से हमें कम से कम 75 सीटें तो बड़े आराम से कम कर रही, एक दूसरा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये अगर हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है तो ये बीजेपी के लिए भी फ्रेंडली नहीं है। अगर बीजेडी अच्छा करती है तो इसका मतलब बीजेपी घटती है, जो कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। आंध्र प्रदेश में अगर बीजेपी अच्छा, वाईएसआर अच्छा करते हैं तो बीजेपी घटती है, तेलंगाना में बीआरएस अगर अच्छा करती है तो बीजेपी घटती है, और बीजेपी घटते घटते अगर 15-20 सीटें भी इन राज्यों में कम हो जाती है तो संख्या 200 से नीचे भी जा सकती है। ये सही है कि जो सवाल उठाए गए हैं एनडीए की तरफ से वो फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है। जैसे हम पहले दिन से कह चुके हैं कि इंडिया का कोई भी एक नेता फेस नहीं होगा, देश की 140 करोड़ जनता की जो तकलीफें हैं
वो हमारे दिलो दिमाग में होंगे, वही हमारा चेहरा होगा। लेकिन ये बताइए, एक बीच में, अब इस पे बीच में रोक रहा हूँ, कल ही ललन सिंह ने, कल या परसों शायद नालंदा की बैठक में नीतीश कुमार के लिए कहा है कि देश के नेता नीतीश कुमार जैसे ऐसा कोई बयान दिया है कल ही परसों। अजीत जी, मैं 50 साल से देख रहा हूं जिस पार्टी का एक भी एमपी नहीं होता है। आपका नेता देश का नेतृत्व करने को तैयार है, ललन सिंह ने नालंदा में कहा कि आपका नेता अब देश का नेतृत्व करने को तैयार है। मैं 50 साल से सक्रिय राजनीति का हिस्सा हूं जिस पार्टी का ना कोई एमएलए था ना एमपी था, उसके भी नारे मैंने सुने हैं, देश का नेता कैसा हो, फलाने फलाने जैसा हो। मैं इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेता, एक। दूसरा, नीतीश कुमार को हम लोग पहले से मानते रहे हैं, जिस तरह की मेरी छोड़िए, अब नरेंद्र मोदी जी का बयान में कोट अनकोट आपको सुनाता हूं। इस देश मित्रों, भाइयों बहनों, मित्रों देश में तीन समाजवादी नेता हुए हैं ना, जिन पर न परिवारवाद का, न जातिवाद का, न भ्रष्टाचार का आरोप है। एक लोहिया, दूसरे जॉर्ज फर्नांडिस और तीसरे नीतीश कुमार। तो अगर ललन जी या मैं या कोई और कार्यकर्ता अपने नेता के लिए शुभेच्छु होकर के सोचता है, तो ऐसा तो ममता दीदी के लिए भी सोच रहे हैं। शरद पवार जी तो पहले से ही पीएम मेटीरियल थे। एक सेकंड, अगर कोई नेता अपने नेता के बारे में, कार्यकर्ता अपने नेता के बारे में सोचे, इससे इंडिया की एकता के कोई फर्क नहीं पड़ता। चुके वी आर ऑन रिकॉर्ड, वी आर विद कमिटमेंट कि कोई चेहरा इसका नहीं होने वाला है। जी नहीं, लेकिन इसके बाद ललन सिंह को ऐसे मामूली कार्यकर्ता नहीं है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी में जिनकी हैसियत है, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी हैसियत है वो हैं, और वही उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी हैं जिसमें तय होना है सीट शेयरिंग स्ट्रेटजी। अगर वो कह देते हैं दो दिन पहले बैठक के कि आपका नेता अब देश का नेतृत्व करने को तैयार है, दो दिन पहले, एक दिन पहले, जो भी है, तो इसको इतना हवा में उड़ाने जैसा कैसे? इसमें तो कुछ है कि नाम कुछ चलने लगा क्या है, चलाने की कोशिश हो रही है क्या? यही तो बीजेपी कह रही है, पार्टी में ये सब गठबंधन में आपस में प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर लड़ेंगे। ये तो मैं सौभाग्यपूर्ण मानता हूं कि बीजेपी में मोदी जी के अलावा कोई भी नेता इस पद के काबिल नहीं है। हमारे यहाँ शरद पवार जी हैं, हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी हैं, हमारे यहाँ राहुल गांधी जी हैं, हमारे यहाँ ममता दीदी जी हैं, हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी हैं, कहिए तो कुछ और भी गिनवा दो। लेकिन इंडिया का इन प्रिंसिपल ये कहना है कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा। और दूसरा यह है, सभी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने नेता की क्षमता को पहचान करके कहने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, उसके लिए कोई मनाही नहीं। अच्छा, अब आते हैं जी ने जो बयान दिया, जी 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 बताइए, जो ललन जी ने बयान दिया है उसको मैं भी दोहराना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी पिछले 50 सालों से राजनीतिक जीवन में, 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक चवन्नी का आरोप भ्रष्टाचार का उन पे नहीं लगा, कम्युनलिज्म का आरोप उन पे नहीं लगा, कास्टिज्म का आरोप उन पे नहीं लगा। एनडीए में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के सबसे लाडले मिनिस्टर थे, जिन्होंने 6-6 बड़े विभाग संभाले। तो अगर उसके लिए हम अच्छा सोचते हैं, और यूं भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिंहा राव, एस डी देवेगौड़ा, एंड अब ऑल नरेंद्र मोदी। तो अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री बन सकता है कहना चाहेंगे। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर और चरण सिंह 4-4 महीने, 5-5 महीने में वो असेसमेंट ही नहीं हुआ। बीपी सिंह को ले 11 महीने रहे, एक बड़ी उपलब्धि, मंडल कमीशन है, लेकिन एक फुल टर्म किया नहीं। लेकिन चलिए, वो अभी मसला नहीं है। मैं केसी त्यागी जी, ये आपसे एक सीधा सवाल अगर पूछूं कि इस मोर्चे के गठन के पीछे मकसद एक है कि मोदी के सामने चुनौती देना और मोदी को सत्ता से बेदखल करना, हाँ या नहीं, पहले बताइए। नहीं, इसका मुख्य मकसद है देश में जो संविधान संकट में आया है, देश में विभाजनकारी शक्तियां जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, उनको कमजोर करना, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एक ऐसा नैरेटिव भी तैयार करना और संगठन भी तैयार करना जो इसको सत्ता से हटा सके। मतलब वही है ना, मैं सीधा नाक पकड़ रहा हूं, आप घुमा के नाक पकड़ रहे हैं। मोदी को सत्ता से हटाना मकसद है या नहीं? है ना, प्रधानमंत्री वही है ना, बेदखल उनको करना।
मोदी जी उसके नेता हैं, कल कोई और भी नेता है तो उसको भी अटल मकसद होगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी और अलोकतांत्रिक असंवैधानिक जो नीतियां हैं, प्रो पुअर एंटी पुअर जो उनकी नीतियां हैं, उनको पराजित करना इंडिया का लक्ष्य है। देखिए आप तो गोलमोल बोल रहे हैं केसी त्यागी जी, आप ही के उस मोर्चे के जितने नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे संजय राउत हो, जो उसमें बैठे हैं उनमें से भी वो सब यही तो कहते हैं कि हमको मोदी को सत्ता से बेदखल करना है, बीजेपी को बेदखल करना है। नाम तो चेहरा मोदी है ना, तो आप मोदी का नाम लेने की बजाय आप सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, नतीजा तो वही होगा ना। हम भारतीय जनता पार्टी के जो निगेटिव नैरेटिव है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। मोदी उस परिवार के, उस नैरेटिव के, उस फिलॉसफी के, उस हेट्रेड के, उस नफरत के मुखिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। जब भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी तो मोदी जी तो अपना बटेंगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति को, अब तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी है, मोदी मैं है, इसलिए व्यक्ति नहीं सिद्धांत भी हैं जिनको हटाना, जिनको रिप्लेस करना जरूरी है। अच्छा तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं थोड़ा पॉइंटेड समझने के लिए, क्योंकि आप बहुत बारीकी से चरण सिंह, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, सबको आपने सब दौर को देखा है, राजनारायण से लेकर हर दौर को, तो इंदिरा गांधी के दौर को भी, इमरजेंसी भी, हर दौर देखा है आपने। तो मैं ये बारीकी से सीधा सवाल कि क्या इंडिया नाम का यह मोर्चा, जो जिसमें 26 घटक दल है, कहा गया 28 भी हो गया अब, क्या यह मोर्चा 2024 में आपको लगता है कि मोदी को, बीजेपी भी जोड़ देता हूं, सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होगा या कर पाएगा? अजीत जी, ये फैसला तो इस देश की जनता को करना है। हमने जनता के सामने एक विकल्प दिया है जो 2014 में 2019 में हम नहीं दे पाए थे। नंबर एक। नंबर दो, परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं। 2014-2019 की चमक अब न बीजेपी में है न मोदी जी में है। नंबर तीन, ऐसा बड़ा संगठन का स्वरूप उन दोनों दौरों में गायब था। नंबर चार एंड अबव ऑल, जो चुनाव किए गए थे 14 में 19 में भी, एक लंबी फहरिस्त है उन दावों की और वादों की जो पूरे नहीं किए गए, और वातावरण बदलाव का है, एक एंटी इनकम्बेंसी है, सांसदों की स्थिति यह है अपने क्षेत्र में बहुत सारे नहीं घुस पा रहे, नारे लग रहे अमुक अमुक, तेरी खैर नहीं मोदी, तुझसे बैर नहीं, यानी कि जो सांसद हैं उनके खिलाफ क्षेत्रों में नारे लग रहे हैं कि इतने रुपये पाओ उनको दिखाओ। और दूसरा, लड़ाई तो मजबूत है, जितने चैनल हैं, जितने अखबार हैं, जितने सोशल मीडिया हैं, सुबह को आकर के, पिछले 3 महीने से सुबह को मैं थक गया हूं एक सवाल का जवाब देते हुए, चेहरा कौन होगा? मैंने कहा, मैंने कल भी आपसे कहा था, चुनाव के दिन तक कहूंगा, कोई चेहरा नहीं होगा, नई बहस सनातन की शुरू होगी है। क्या इस संगठन का जन्म सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए हुआ था? मैंने कहा, मैं सनातनी हूँ और मुझको अपने सनातनी होने पर गर्व है, लेकिन जो इन इक्वलिटीज, अनटचेबिलिटीज जैसे दोष हैं जिसका जिक्र विवेकानंद जी ने भी किया था, उसको हटाने के लिए अगर कोई आगे आता तो इसमें क्यों विरोध होना चाहिए? तो जो नैरेटिव बीजेपी का फैल गया है गांव, सड़क, मोहल्ले तक, ये अटल जी के समय नहीं था। अटल जी भी संगी थे, लेकिन उन्होंने हेट्रेड का माहौल नहीं किया। वो लाल किले, लाल चौक पे भी जाके बोलते थे कि कश्मीर की समस्या का अगर हल करना है तो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को फ्रेमवर्क में रख के करना होगा। ये कहने नहीं, हमने कहा एक चुटकी में 370 हटाओ, ये करो वो करो, तो नैरेटिव जो है उस समय के बदल गए। और लड़ाई टफ है, कोई आसान नहीं, लेकिन 400 प्लस सीटें ऐसी हैं जहां पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है वन अगेंस्ट वन करने, और वी आर वेरी कंफर्टेबल वन इन बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, बाकी राज्यों का दिखाया, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में त्रिकोणात्मक, आंध्र में त्रिकोणात्मक, तेलंगाना में त्रिकोणात्मक, और यूं भी मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी इतने से रिपोर्ट कर रहे हैं, एक पार्टी के अंदर भी रहते हुए टिकट का बंटवारा सबसे मुश्किल काम होता है। मैंने खुद कई बार टिकट प्राप्त किए हैं, मेरी पार्टी में भी 3-3, 4-4, 5-5 उम्मीदवार मेरे सामने रहते थे, लेकिन
दिल्ली हरियाणा और पंजाब, मैं वन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी केजरीवाल जी से लंबी बातचीत हुई, वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल करने को तैयार है। अब कोई नेता बयान देगा कि हम तो नहीं करेंगे तो उधर से भी रिएक्शन होगा। हरियाणा में मेरा मानना है कि इनेलो को भी शामिल करना चाहिए, हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी को भी शामिल करना चाहिए, उनकी बड़ी भूमिका नहीं है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी से इनकार मत कीजिए। आज सारी की सारी सीटें वहां पर हैं, पंजाब है उसमें कांग्रेस के सिटिंग एमपी हैं और नई उभरती हुई ताकत आम आदमी पार्टी है। तो अगर आपका कमिटमेंट अल्टरनेटिव देने का है, मैं सभी पार्टी के नेताओं के लिए कहना चाहता हूं, अपने लिए नहीं, हम तो बिहार में आपको जिस दिन कैंपेन शुरू होगा उससे पहले 40 की 40 सीटों का लिस्ट आपको दे देंगे, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं। और हमने जो बिहार मॉडल भी है, किस लिए हमने 15-20 साल की जो अपनी शत्रुता थी, विरोध नहीं शत्रुता थी लालू जी के साथ, वो समाप्त की है। गैर कांग्रेसवाद के हम अलंबरदार थे, वो हमने समाप्त किया। और CPI CPM और CPIML जो कहती है पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, उनको भी इकट्ठा किया। तो हम तो 40 की 40 सीटों का खाका आपको 24 घंटे के अंदर देने के लिए तैयार है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में लेफ्ट कांग्रेस JDU और RJD इनके बीच सीटों को लेकर कोई किसी तरह का कोई तनातनी नहीं हुआ? खबरें आ रही है 16-16 पर RJD और JDU की लड़ाई होगी, कहीं 17-17 पे होगी, कांग्रेस हो सकता है ज्यादा सीट चाहे, कांग्रेस को 8-9-7 पता नहीं। तो कोई फॉर्मूला बिहार पर, जैसे आपने कहा ना कि 400 ऐसी सीटें हो सकती है जहां 1-1 हो, तो बिहार पर कुछ सहमति बनी है पर्दे के पीछे ही? हाँ, वहां भी बनी है, झारखंड में बनी है और उत्तर प्रदेश में भी लगभग बनी है। जिस तरह का मुलायम सिंह की जो हेरिटेज है उसको कैरी कर रहे हैं अखिलेश यादव, और चौधरी अजीत सिंह की हेरिटेज को कैरी कर रहे हैं, ये सब मिलकर के एक जैन चौधरी, और कांग्रेस की भी के पास भी कद्दावर नेता हैं, लेकिन सबको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इसके हम खिलाफ नहीं है। लेकिन जो बड़ी पार्टी है, अब कोई हारने के लिए सीट मांगने लगे कि हमें तो इतनी दे दीजिए, वो नहीं होने वाला है। तो ये जैसे यूपी का जिक्र आपने किया कि प्रोपोर्शनेट सीटें मिलेगी, हारने के लिए सीट कोई मांगे तो नहीं होने वाला है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे, ठीक है, राजस्थान में, एमपी में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, बाइपोलर इलेक्शन है, हालांकि 95% तक का स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है उन राज्यों में, कहीं तो 100%। लेकिन यूपी की बात करें जिसका जिक्र किया, अखिलेश यादव RLD, कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कामयाबी 2019 में नहीं मिली, माझ एक सीट राहुल गांधी तक हार गए, विधानसभा में तो 2.5% वोट मिले। तो कांग्रेस RLD और अखिलेश का गठबंधन आपको लगता है बीजेपी की ताकत के सामने इतनी बड़ी चुनौती यूपी में दे पाएगा? आप तो यूपी के रहने वाले हैं। नहीं, कांग्रेस को भी उसमें शामिल करना चाहिए, उससे मल्टी कास्ट मल्टी क्लास मल्टी कलर गठबंधन बनता है जो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए लाजिमी है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूं लेकिन यूपी ट्रिकी नहीं है आप लोगों के लिए फंसा हुआ? यूपी में मायावती अलग है, वो कह चुकी हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, नहीं जाएंगे, तमाम तरह के आरोप लगाए, अकेले लड़ेंगे। और 2019 में हुआ था, मायावती और अखिलेश साथ आए थे, 10 और 5 सीटें 10 सीटें मायावती, 5 सीटें अखिलेश की पार्टी जीती। इस बार अलग लड़ेंगे तो हो सकता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कहीं ये स्थिति 2014 वाली ना हो जाए, मायावती की सीटें बीजेपी पे झटक ले। आप चुनाव आने दीजिए, हम कुछ अच्छी खबरें आपको देंगे कि इस बार 15 नहीं, उसको 2-3 से गुना करके हम आपको सीट देंगे। अभी जो चुनाव हुआ है घोसी का, उसका विश्लेषण हम आप किसी सत्र में करें, वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं, उनकी सजातीय जो संगठन है उसने वोट 100% अखिलेश यादव की बैकवर्ड पार्टी को दिया है, भूमिहारों ने ऊंचे पैमाने पे, ब्राह्मणों ने ऊंचे पैमाने में, और जो मौर्य राजभर साख चौहान जो पिछड़े अति पिछड़े मतदाता थे, 42,000 वोटों से वहाँ सपा का उम्मीदवार जीता है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव की वानगी है। ऐसा ही खतौली में मैं गया था, वहाँ पर खतौली की सीट 22,000 से बीजेपी जीती थी, अब 23,000 से हारी है।
तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, दीवारों पे लिखे जा रहे हैं, ये किसी बड़े संकेत के लक्षण हैं। और चुनाव आने दीजिए, कुछ तोड़फोड़ और भी होंगी वहां पर जो समय आने पे बताएंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 400 सीटों पर 1-to-1 की फाइट होगी, तो कौन कौन राज्य हैं जहां इसके अलावा कुछ मामला अटक सकता है? जैसे एक लगता है कि पंजाब में कुछ स्थिति गठबंधन करने में दिक्कत आ सकती है, या बंगाल में लेफ्ट और ममता के साथ आने में हो सकता है, केरला में हो सकता है। क्या उन राज्यों की भी तस्वीर कुछ लग रहा है कि जैसे 1-to-1 के दायरे में उन राज्यों में भी लड़ाई हो पाएगी? देखिए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, इसमें लगभग सहमति है। पश्चिमी बंगाल में मैं जरूर मानता हूँ वामपंथी दलों की पराजय का, उनकी शक्ति कम होने का मुझे भी अफसोस है, वो गरीबों की बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन आज स्थिति ममता बनर्जी के पक्ष में है। CPM को भी और कांग्रेस पार्टी को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि ममता दीदी के नेतृत्व में ही हम वहां BJP की संख्याएं कम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद केरला आते हैं, अगर केरला के अंदर कांग्रेस जीते, वाम मोर्चा जीते, डेमोक्रेटिक फोर्सेस जीते, वाम जीते, हमारे लिए विल विन सिचुएशन है। आसाम जरूर हमारे लिए अभी एक टफ स्टेट है, वहां जिस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन कराने में हेमंत बिस्मा कामयाब रहे हैं, वो जरूर हमारे लिए चुनौती है, जो 12 सीटें वहाँ की हैं। लेकिन 3-4 सीटें हम पिछली बार भी जीते थे और अब भी जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पश्चिमी बंगाल में हम अच्छा करेंगे, BJP काफ़ी सीटें कम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जब सीधे मुकाबले में कई बार भारतीय जनता पार्टी पराजित नहीं कर पाती है, अब बदले हुए माहौल में वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पहले से अच्छी स्थिति में होंगे। नहीं, लेकिन ये बात बार बार हो रही है कि जैसे आप कहते हैं 400 सीटों पर 1-versus-1, तो 200 से ज्यादा लगभग सीटें हैं जहां कांग्रेस और BJP का डायरेक्ट मुकाबला सीधा, वहां कोई थर्ड फोर्स नहीं है उसमें। वो गुजरात की सीट है, वो राजस्थान की सीट है, वो MP की सीट है, वो छत्तीसगढ़ की सीट है। और उन राज्यों में अगर देखेंगे तो जबरदस्त BJP को कामयाबी मिली। उन राज्यों में क्या स्थितियां बदलती दिख रही है भाई? MP में 2019 की बात करें, 29 में से 28 सीटें जीत ली BJP ने। राजस्थान में 25 में से 24 जीत ली, एक बाकी भी उसके घटक दल थे। गुजरात की सारी सीटें जीत ली BJP ने। इन राज्यों में क्या तस्वीर बदलती दिख रही है और उसकी वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को और उनके कुशल नेतृत्व में कोई सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूँ, और यूं भी प्रेस के, मीडिया के माध्यम से ये बातें बाहर नहीं कही जाती हैं। लेकिन आज 2 अक्टूबर से आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूँ, हम संयुक्त सभाएं, संयुक्त जनजागरण प्रारंभ करने वाले गांधी जयंती के बाद। मध्य प्रदेश में राहुल जी और कमलनाथ जी अकेले नहीं होंगे, एक दर्जन देश के मुख्यमंत्री और बड़ी बड़ी पार्टी के नेता उनके साथ होंगे, जो मल्टीकास्ट, मल्टी कलर रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही राजस्थान में, ये सही है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहुत कम MP जीत करके कांग्रेस पार्टी के आए थे। मेरा मानना है जिस तरह के अब उभार हैं, जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, और जो भूख विपक्ष के कार्यकर्ताओं की सत्ता में जाने की अब जो तेज हुई है, सभी पार्टियों के नेता मिलकर के वहां काम करेंगे और हमें पहले से अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। अब जैसे स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, उस पर आने से पहले आपने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अकेले नहीं होंगे, बाकी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन वही मध्य प्रदेश है जहां अरविंद केजरीवाल जाकर अलग पैरेलल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, सुना कुछ सीटों के लिए उम्मीदवार उन्होंने फाइनल भी कर दिए। तो ये तो फ्रेंडली फाइट होगा, बयानबाजियां होगी, इससे जनता में भ्रम नहीं होगा? हो सकता है राजस्थान में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़े। अजीत जी, लोकसभा के चुनाव में ये बयान कहीं आड़े नहीं आएंगे, वो अपने विधानसभा के चुनाव की तैयारी करें। हमारा मुख्य लक्ष्य अभी दिल्ली वाला चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, और हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के जो कुशल
नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, बीजेपी को हराने के किसी प्रयास में वो आगे होंगे, किसी से पीछे नहीं होंगे। लिहाजा एक सवाल फिर जो उनके लिहाजा जो विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हो उसमें और लोकसभा के चुनाव में हम साथ रहेंगे, मैं कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस अंतर्द्वंद नहीं देखता। दो बातें हैं, एक तो कि नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है जिसका शुरू में आपने जिक्र किया, जो नैरेटिव चुनाव आते आते आखिर हिंदुत्व की पीठ पर जाएगा, केसी त्यागी जी हिंदुत्व को मुद्दा बनाएंगे, जनवरी में मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके पहले अभी खबर आई कि विश्व हिंदू परिषद और उनके जो जितने लोग हैं 5 लाख गाँव में जा रहे हैं जनजागरण और हिंदुत्व के लिए शौर्य यात्रा निकालेंगे और मंदिर के लिए दुनिया भर का माहौल बनाएंगे। एक तरफ बीजेपी की वो पिच, दूसरी तरफ आप पर संगीन आरोप जो बीजेपी लगा रही है सनातन का मुद्दा बना के। आज ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संबित पात्रा ने कहा कि शरद पवार जी के घर पर AHCC यानी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, इसके लिए सभी 26 दल बैठक कर रही। तो आपको चिन्हित करेंगे कि आप सनातन विरोधी हैं, आप हिंदुत्व विरोधी हैं, इस नैरेटिव का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि यही उनका आखिरी हथियार होता है, जिस हथियार से फायदा होता है। जब यूपी में योगी आदित्यनाथ कहते हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई, हम गर्मी उतार देंगे, हम शिमला बना देंगे, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में कहने लगते हैं शमशान बनाम कब्रिस्तान, कैसे मुकाबला करेंगे, फिर क्या मुद्दे होंगे जो लेकर आप जाएंगे और आपकी तरफ लोग आएंगे? देखिए, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय हुआ है, हमने उसका स्वागत किया। कोई पार्टी तो हमारे गठबंधन की है नहीं जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी हो या अस्वीकार किया हो। नंबर एक, राम जन्मभूमि का जिस शिलान्यास हो, हमारी तो खुद VHP के नेताओं से कहना कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बुलाइए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है नहीं। और तीसरा ये है जो महत्वपूर्ण है कि इसमें से तो 99% सनातनी है, मैं सनातनी, लालू जी सनातनी, नीतीश कुमार जी सनातनी, खड़गे जी सनातनी, कौन कौन है सनातनी है जो द्रविड़ मूवमेंट है। एम के स्टालिन और उनके बेटे और उधर से जो बयान आए ए राजा के, जिसको बीजेपी मुद्दा द्रविड़ मूवमेंट, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि क्या NDA में DMK के मिनिस्टर्स नहीं थे? पहले तो देश से इसके लिए माफी मांगे कि हमने ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखा जो सनातन धर्म को समाप्त करने वाले थे। जिस दिन वो अटल जी की सरकार बचा रहे थे उस दिन तो वो सनातनी थे, आज इनके साथ नहीं है तो एंटी हिंदू हो गए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। नंबर एक, नंबर ये अंतर विरोध वहां भी है, छोड़ करके बीजेपी को 38 में से हैं जो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, रामविलास की दोनों पार्टियां, जीतन राम बाजी की पार्टियां, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, राजभर की पार्टी, अजीत गुट, शिवसेना गुट, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो जातिगत जनगणना नहीं चाहती है। एक दूसरा, इन 38 में से 35 पार्टी ऐसी हैं जो CC का विरोध कर चुकी हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो उनके यहां भी है। आज नागालैंड में यूनैनिमस प्रस्ताव विधानसभा से पास हुआ जिसमें बीजेपी के भी विधायक हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम विरोध करेंगे, क्यों नहीं लागू कर रहे? और हमारे पास भी सवाल है, जो सब नेशनलिज्म है उसका नेशनलिज्म से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, नीतीश कुमार लालू यादव उतने ही देशभक्त हैं जितने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री हैं। ये तो मैं देश की पूरी आबादी के लिए कहूंगा कि ये माहौल देश में बना इस दौर में कि जो मोदी जी का समर्थक नहीं, जो बीजेपी का समर्थक नहीं, वो देश विरोधी है, ये एक इस देश में माहौल बनाया गया है। ये तो एकदम क्या कहें, वो बुरा दौर है जो नहीं होना चाहिए। कोई भी, मैं भी मान लो मैं नहीं हूं अंधभक्त, तो इसका मतलब नहीं कि मैं देश विरोधी हो गया, या बहुत सारे लोग, और वो आंकड़े फिर तो वही बार बार आते हैं ना कि 37% वोट मिले बीजेपी को, बाकी वोट तो विपक्षी दलों को मिले। लेकिन केसी त्यागी जी, एक सवाल फिर आता हूं, आप अगर अपनी बात कुछ पूरी करना चाहे कहें, उसके बाद सवाल पूछूंगा। नहीं, यही जो नैरेटिव है, हमारा भी यही आरोप है कि ये हमारे आरक्षण के विरोधी है, ये पिछड़ी जातियों के, दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, हैव नॉट्स के,
जिनके तन बीमार मन बीमार धन जिनके पास नहीं, ये उनके विरोध में क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराते? हम भी सवाल उठाएंगे, इसका जवाब उनके पास नहीं। जिस आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह पाई है, हमारे बिहार की सारी पार्टियां, ममता बनर्जी की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, अखिलेश की पार्टी, मायावती की पार्टी, बताओ ना कौन पार्टी है जो कहती जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? हम भी मुद्दा बनाएंगे, हम भी सनातनी हैं, हम गरीब सनातनी हैं, वो अमीर सनातनी है, फर्क यही तो है ना। तो गरीब तो सनातनी और अमीर सनातनी के बीच में ये बताइए, ये गरीब सनातनी और अमीर सनातनी के बीच में होगी तो ये बताइए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तैयार होगा जिसमें 26 दल साझा घोषणा पत्र हो, जिसमें जातिगत जनगणना की बात हो और जो भी मुद्दे हो। ये कहा गया कि जो मुंबई की बैठक हुई थी उसमें जातिगत जनगणना के मुद्दे पर टीएमसी सहमत नहीं थी, कुछ ऐसी भी बात थी क्या, या आपके भीतर भी कुछ है घटक दल जो सहमत नहीं है? देखिए कुछ ऐसा है, तो हम एक पार्टी नहीं, एक पार्टी में भी कई सवालों पर मतभेद होते हैं। हम तो ऐसे दलों में रहे हैं जहां पार्टी अध्यक्ष के अभिभाषण के खिलाफ ही हम लोग उंगलियां उठा लेते थे कि हम आपसे असहमति रखते हैं। लेकिन इन सवालों पर देखिए, संविधान का मैंने बताया, कभी आपने सुना कि स्पीकर मुख्यमंत्री की बात ना माने, गवर्नर मुख्यमंत्री के कहने पर विधानसभा की बैठक ना बुलावे, एजेंडा घोषित होने से पहले जो पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर उसको ये भी बताना हो कि 5 दिन का एजेंडा क्या है? ये तो कुछ दिन के लिए मैंने आपातकाल में जरूर देखा और सुना था और भुगता था। अब ये नए तरीके से जो नैरेटिव चले हैं ये बहुत खतरनाक है। संविधान को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है, अब उसमें से इंडियन ही हटा दो, ये तो प्रेम्बिल में है। अब कभी मैं कहीं सोचा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, तो अगर इंडियन शब्द हटता है तो पूरा संविधान बदला जाएगा। नोट कर लीजिए, एक शब्द नहीं हटता है, ये सारी चीज हटती है। और अगला जंग जो है संविधान बचाओ की भी है, जिसमें 90% जो मासीज है वो हमारे साथ होंगे। मैंने एक सवाल पूछा कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी कोई सहमति बन रही है कि सीएमपी होगा कि हमारा ये मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को या मोदी की सत्ता को बेदखल करने के लिए हम जा रहे हैं। आप जनता से क्या प्रॉमिस करेंगे, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होंगे, ये रिटर्न फॉर्म में होगा? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए अजीत जी, सब राज्यों की, ये फेडरल है सब राज्यों का और इंडिया भी फेडरल है, जो तमिलनाडु के मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश के नहीं हो सकते, जो आसाम के मुद्दे हैं वो बिहार के नहीं हो सकते, बिहार के जो सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं वो नई दिल्ली के नहीं हो सकते। लेकिन संविधान के सवाल और ऐसे अनगंभीर सवाल जिन पर कॉमन सहमति बनेगी वो जरूर हम जनता के बीच में लाएंगे और एक ईमानदार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, ये भी जनता से दावा और वादा करेंगे। तो अब फिर आखिरी दिशा में हम जा रहे हैं, तो फिर ये बताइए आपका आकलन कैलकुलेशन क्या? बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया मोर्चे का अभी जोर ये है कि बीजेपी कैसे 303 से 50-60 सीटें पीछे चली जाए, कैसे बीजेपी को बहुमत न मिले। तो आपका एजेंडा वो है या ये है कि इंडिया मोर्चा जो है वो 272 नंबर पार कर जाए, इस तरह की तैयारी हो रही है? देखिए अगर उनको बहुमत नहीं मिला तो हम उनकी शक्ति को भी जानते हैं। उनको तो बहुमत मध्य प्रदेश में भी नहीं मिला था, उनको तो महाराष्ट्र में भी नहीं मिला था, उनको तो गोवा में भी नहीं मिला था, उनको तो मेघालय में भी नहीं मिला था, उनको तो कर्नाटक में भी नहीं मिला था। तो सत्ता के सहारे उनके जो नए गठबंधन में दोस्त आए 3, CBI, ED और इनकम टैक्स, लिहाजा हम चाहते हैं कि इस वक्त बहुमत इंडिया गठबंधन को मिले ताकि कोई तोड़फोड़ की गुंजाइश ना हो। तो मतलब बहुमत मिले मतलब 272 प्लस द मैजिक नंबर इंडिया गठबंधन को इंडिया
अब आखिरी बता दीजिए समीकरण, मैं 10 राज्य की कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जहां लगता है कि 10 राज्य की तस्वीर दिखाए जहां लगता है इंडिया गठबंधन बीजेपी को काफी पीछे धकेल देगी। ये वो 10 राज्य हैं सर जिसमें 225 सीटें हैं और जिसमें 200 सीटें बीजेपी जीती, यूपी, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ये मोटे तौर पर हिंदी बेल्ट के राज्य हैं जिसमें गुजरात मान लीजिए अलग है। बाकी इन राज्यों में बहुत मजबूत लड़ाई होगी और गठबंधन अगर हमारा मजबूती के साथ काम करता है तो हम उत्तर प्रदेश में भी संख्या घटाएंगे और कुछ मैजिक भी होंगे उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में। उससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुका होगा, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका होगा और आम आदमी पार्टी, इनेलो और कांग्रेस ने अगर मिलकर चुनाव लड़ा, हरियाणा में हम नंबर अपने बढ़ाएंगे, दिल्ली में और हरियाणा में और पंजाब में भी स्थिति भिन्न होगी। अब उन राज्यों को बता दी जहां पर हमें बहुत अच्छी सीटें मिलने वाली हैं, जिसमें बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पश्चिमी बंगाल, केरला है। इन राज्यों में हम स्वीप करेंगे। 6 सीटें थी महाराष्ट्र में, मैं मानता हूं कि 35+ आज हैं हम लोग, बावजूद तोड़फोड़ के। वहां शिवसेना माने उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वहां नेशनल एनसीपी माने शरद पवार की पार्टी। बिहार में हम यही हैं, झारखंड में भी हुआ ही है, तमिलनाडु में जयललिता की उपस्थिति में द्रविड़ मूवमेंट की पूरी बागडोर डीएमके के हाथ में है। पश्चिमी बंगाल में गठबंधन होगा और वहाँ की जो सीटें हैं 42, 43, 44 उसकी मैक्सिमम सीटें हम लोग जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन ये बताइए सर, जैसे महाराष्ट्र में बोल दिया आपने, इतना बड़ा दावा तो कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र में आखिर उद्धव ठाकरे से सेना के ज्यादातर विधायक चले गए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, एनसीपी का बड़ा तबका टूट गया, चाचा से भतीजे ने बगावत करके सरकार में हिस्सेदारी साझेदारी ले ली, तो फिर लगता नहीं कि बहुत बड़ा हिस्सा टुकड़ा चला गया? एक साल पहले की स्थिति, 8 महीने पहले की स्थिति अलग थी और बीते 7-8 महीने के भीतर की स्थिति अलग हो गई महाराष्ट्र में। सारे एमपी बिहार में रामविलास जी की पार्टी के पारस के साथ हैं, नेता कौन है वहां पर? उत्तर प्रदेश में बंटवारा हुआ था समाजवादी पार्टी में, नेता कौन रहे? अमर, आप तो डायनेस्टी को इतने लंबे समय से देख रहे हैं, मेनका जी नहीं नेता बन पाई ना कांग्रेस की, बने तो राहुल गांधी ना, राजीव गांधी ना। लिहाजा वहां पर भी कोई कम, हमारे से ज्यादा संग्राम वहां पे उसका होना है एमवीए का। 15 सीटें ऐसी हैं शिवसेना की जिस पर एनसीपी ने क्लेम कर दिया, वहां भी कोई बंटवारा इतना आसान है क्या? ये है दिक्कतें। लेकिन शरद पवार से बड़ा मराठा नेता वाई बी चौहान के बाद और शिवाजी महाराज के बाद कोई नहीं हुआ। जो लीगेसी शिवाजी तक जा रहे हैं, शिवाजी तक जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा है सर, पॉलिटिकल पावर को आप शिवाजी से, लेकिन चलिए ठीक है। अब एक सवाल आखिरी, अजीत जी, क्योंकि अजीत अजीत ये दो डिस्प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन का है, इकोनॉमिक एसेट्स भी और पॉलिटिकल। सही बात है। अब आखिरी सवाल, चूंकि यूपी को लेकर 2 बार आपने कुछ सस्पेंस क्रिएट किया और अभी कहा कि कुछ मैजिक होगा यूपी में, यूपी में एक ही फोर्स उसके बाद बचती है मायावती, जो मायावती 10 सीटें जीती थी अखिलेश के साथ गठबंधन में, ये अलग बात है विधानसभा में बहुत नुकसान हुआ, कोई ऐसी स्थिति भी बन सकती है क्या कि फिर से 19 की तरह मायावती अखिलेश साथ आ जाए, कांग्रेस और आरएलडी तो एक मोर्चे का हिस्सा है? माया जी के और अखिलेश यादव जी के, जिनकी पराक्रम पर, जिनकी बुद्धि पर, जिनके कार्य कौशल पे मुझे पूरी क्षमता है, ये मैं उनके विवेक पर छोड़ देता हूँ। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक न्याय की जो भूख है वो इनके कार्यकर्ताओं को मजबूत करेगी कि सब एक मंच पे आए। अब आखिरी सवाल कि आपने कहा कि आप रिसर्च कमेटी के जैसे आप सदस्य हैं जो इंडिया मोर्चे का, और बीजेपी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और हजारों नहीं लाखों अब कहा जाता है व्हाट्सएप वॉरियर हैं बीजेपी के, सोशल मीडिया वॉरियर, ट्रोल आर्मी, कैसे मुकाबला करेंगे बीजेपी की उस ट्रोल मशीनरी का? केसी त्यागी जी, मुश्किल है
असंभव नहीं है, चूंकि पिछले 15-20 वर्षों से अटल जी की मृत्यु के बाद खास तौर से ये जो गोधरा से शुरू हुआ है, ये जो मुलायम सिंह यादव ने संविधान को बचाया अयोध्या में, उसको हत्यारा कह दिया, तो नैरेटिव तो सारे बदले हुए हैं ही। आप उनसे डिफर होइए, रातों रात आप एंटी हिंदू, एंटी सनातनी, एंटी नेशनल हो जाती। जिस तरह का एक दौर ऐसा भी होगा कि लोग जो हैं वो मजाक के पात्र बन जाते हैं, विदूषक भी बन जाते हैं, आरोप उतने लगाइए। कौन कह सकता हम सनातनी नहीं है? हमारे घर में रोज पूजा होती है, हमारे पड़ोसी को पता नहीं है कि हम सनातनी है कि नहीं है। इनके ये कहने पर से कि आज शरद पवार के घर पे जो मीटिंग हो रही है वो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए हो रही है, तो ये इनका मस्करापन नहीं है? ये गंभीरता है राजनीतिक सवालों की? इतना जनता को आप इलिटरेट मानते हो, इतना जनता को आप अनपढ़ मानते हो? ये वो जनता है। हम इमरजेंसी में जब जेल से निकल कर आए थे, अठन्नी हमारे पास नहीं थी, इंदिरा जी को हरा दिया, वी वॉज ऑल पावरफुल मोर देन नरेंद्र मोदी। तो जनता है, उसकी जनता की शक्ति पे हमें यकीन है कि वो इस गलत नैरेटिव को, जो गांधी, जवाहरलाल पटेल और अब्दुल कलाम आजाद की के शौर्य से पराक्रम से जो लिखा हुआ संविधान था, जो देश का ढांचा हमें मिला था, उसको देश की जनता निस्तार नामुद नहीं करने देगी। और अंबेडकर की, लोहिया की, सामाजिक न्याय की जो पक्षधर ताकते हैं, उनकी सत्ता की भूख और बढ़ेगी और इन लोगों को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए, लेकिन मोदी का नाम आप नहीं ले रहे, इन लोगों को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, मतलब आप ये कह नहीं रहे हैं कि मोदी को हम सत्ता से बाहर करेंगे या मोदी को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, ये कोई डर है क्या? अजीत जी, मैं इसको निगेटिव नैरेटिव नहीं करना चाहता जो बीजेपी प्रचार कर रही है कि मोदी हटाने चाहते हैं, इनका कोई कार्यक्रम नहीं, ये मोदी हटाने चाहते हैं। जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, इसके 200 एमपी भी नहीं आएंगे, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन मैं बीजेपी के निगेटिव नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये मोदी जी को हराना चाहते हैं। मोदी जी का जन्मदिन आ रहा 17 तारीख को, मैं चाहता हूं कि वो 100 साल जिए लेकिन प्रधानमंत्री ना बने। तो आप मोदी जी को हराना नहीं चाहते, जिताना चाहते हैं? हराना ही तो चाहते हैं, हराना चाहते हैं, तो बोलने में क्या दिक्कत है कि हाँ हराना चाहते हैं मोदी को? मैं तो बोल रहा हूं मोदी जी जाए, मोदी जी जाए, मोदी जी जाए, बीजेपी जाए, बीजेपी जाए, बीजेपी जाए, और बोलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, ये सफेद दाढ़ी बाल वाले मोदी की लड़ाई नहीं है। जो पूरी की पूरी पार्टी का जो नैरेटिव है वो समाप्त होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर पार्टीज का शासन आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके मुखिया चाहिए लेकिन आएगा, चाहिए लेकिन आएगा, जो 2024 में आएगा, आएगा। जब अंग्रेज का राज था तब लोग हंसते थे कि ये कांग्रेसी जो हैं अंग्रेज को भगा देंगे। जब मैं इमरजेंसी में जेल जा रहा था, मेरे मोहल्ले के लोग मजाक उड़ाते थे, ये इंदिरा गांधी को हटाने चले हैं। ऐसे ही होगा, परिवर्तन होगा, खेला हो बे। बहुत 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 शुक्रिया त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मुलाकात होती रहेगी, नमस्कार।